महाराज जी, एक विपक्षी पार्टियां जो हैं वो ये भी कह रही हैं कि राम अगर सबके हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि राम अब लग रहा है कि बस बीजेपी और आरएसएस के होके रह गए हैं। क्या ये इस बात से आप भी सहमत होते हैं कि उनका कहना सही है कि बस जो राम है अब बीजेपी और आरएसएस के हो गए हैं? एक माता पिता के चार बच्चे हैं, एक बच्चा खूब प्रेम करता अपने माता पिता को, हर बात मानता है उनकी, उनकी सेवा करता, दो उसमें से आवारा निकल गए, मानते नहीं और बाहर चिल्लाते हैं पिताजी माताजी, सिर्फ उसको मानते, हम लोगों को तो मानते ही नहीं, लगता है इसी के माता पिता हमारे हैं ही नहीं, जबकि है ऐसा कि वो खुद नहीं मान रहा, वो खुद उनकी बातों को नहीं सुनता, खुद माता पिता की श्रद्धा नहीं करता, सेवा नहीं करता। तो आप भी बहुत समझदार हैं, जनता बहुत समझदार और समझती होगी कि जो लोग राम को नहीं मानते, जो लोग सनातन संस्कृति को नहीं मानते, जिन लोगों के भारत के हर डेवलपमेंट में सिर्फ विरोध करना होता है, माँ भारती के आगे बढ़ते ही जिन्हें तकलीफ होने लगती है, आज सारा भारत नहीं सारा दुनिया दीप जलाने को तैयार है, कुछ लोग अपना दिल जला रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा दिल मत जलाइए, आप भी दीप जलाइए। महाराज जी, एक और चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, पार्टियों का तो चलिए ठीक है, समझ में आता है कि वो राजनीति, लेकिन कुछ जो है पुजारी, कुछ जो है शंकराचार्य भी आप देख रहे होंगे आजकल, बहुत वो भी बहुत सारी तरीके की टिप्पणियां वो भी कर रहे हैं, वो भी नाखुश है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनकी नाखुशी के पीछे सच में कोई ऐसा कारण है जो उनको उनके दिल को चोट पहुंचा रही है? देखिए, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य भगवत स्वरूप, और उस समय तत्कालीन भारत में जो विध्वंस हो रहा था सनातन धर्म का, उसकी पूर्व प्रतिष्ठा भगवान आदि शंकराचार्य ने किया, उनके द्वारा बनाए गए पीठ पर बैठे हुए शंकराचार्य मुझे नहीं लगता कि कभी गलत हो सकते हैं, मेरी बहुत आदर और श्रद्धा है उनके प्रति, भारतीय धर्म की ध्वजा हैं वो, उनकी अपनी कुछ बातें हैं जो उन्होंने धर्म सत्ता के सामने, जन सत्ता के सामने और राज सत्ता के सामने रखी थी, उन बातों को विवाद के रूप में नहीं लेना चाहिए। हमारी उपनिषद में लिखा है वादे वादे जायते बोध, बात करने से ही बोध होता है, ज्ञान होता है, तो शंकराचार्य जी ने बात कही है, उस बात को सुनकर ट्रस्ट के लोग, सरकार के लोग और जनता के लोग भी कुछ कह रहे हैं, और इस वाद से बोध उत्पन्न होगा भारतीय सनातन संस्कृति में। इसलिए शंकराचार्य के द्वारा कहे गए ये शब्द कदापि सरकार के विरोध में नहीं है, भारत के विरोध में नहीं है, धर्म के विरोध में नहीं है, इसलिए इस वाद को विवाद के रूप में न देखकर संवाद के रूप में देखना चाहिए, कुछ पीड़ाएं उनकी हो सकती हैं और उन पीड़ाओं को सुनना चाहिए। जैसे कि अभी हम विवाद की ही बात कर रहे हैं, उनकी नाखुशी की बात कर रहे हैं, तो वो सीधे शब्दों में बता रहे हैं कि उनको किस चीज से नाराजगी है। उनकी नाराजगी है मोदी सरकार जो है या मोदी जी जो है वहां जाकर वो पूजा प्रार्थना करेंगे और वो लोग वहां जाकर बस सीधे खड़े रहेंगे। मैं उनके सीधे शब्द बता रही हूँ जो वो कह रहे हैं मीडिया पर, तो उनके लाइन्स यही, उनके शब्द यही कि हम वहां जाकर सिर्फ खड़े रहे और मोदी जी सारी जो भी सारी प्रक्रियाएं हैं वो वहां के पूरी करें। क्या ये सही है? और देखा जाए एक तरीके से तो किसी भी एक शुभ स्थान पर देखा जाए तो उनका होना ज्यादा जरूरी था या मोदी जी का होना, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, मोदी जी काशी से सांसद हैं, काशी विद्वानों की नगरी सदा से, जिन शास्त्री जी ने मुहूर्त निकाला वो उद्भट विद्वान, जिनके हाथों से ये प्राण प्रतिष्ठा होगी वो उद्भट विद्वान, जितने भी वहां पर कर्मकांडी वो सब बड़े विद्वान। इसलिए ये कहना कि राज सत्ता जबरदस्ती इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को कर रही है, मोदी जी इतने प्यारे हैं कि जब वो केदारनाथ जाएं या पशुपतिनाथ जाएं या अपने ही संसदीय क्षेत्र में काशी विश्वनाथ जाएं, घंटों तक रिचुअल्स के अनुसार, कर्मकांड के अनुसार वो पूजा करते, जो वेद सनातन शास्त्र कहता है उसके अनुसार वो करते। ऐसे दिव्य प्रधानमंत्री पर मुझे भी लोग एजेंट कहेंगे और उनको कहना चाहिए। एजेंट का अर्थ होता है संवाहक, संवाहक का अर्थ होता है गुलाब कहीं खिला हुआ है और आपकी नासिका तक, हमारी नासिका तक हवा के माध्यम से आता है, तो हवा एजेंट बना गुलाब की खुशबू बुलाने के लिए। ऐसे ही धर्म, सनातन संस्कृति, प्रेम और आनंद की खुशबू को जन जन तक पहुँचाने के लिए संत एजेंट ही होते। इसलिए एजेंट गर्व से कहिए कि हम एजेंट, एजेंट शब्द का यही सच्चा अर्थ है। मोदी जी 11 दिनों की कठिन तपस्या कर रहे हैं, वो जमीन पर सो रहे हैं, केवल नारियल पानी पी रहे हैं, जो जो रिचुअल्स हो सकते हैं, ये मजबूरी नहीं थी उनकी, ये और लोगों को करना चाहिए था, पर प्रधानमंत्री इतने सेंसिबल, धर्म को लेकर, जन को लेकर, भारत की जनता को लेकर,
कहीं कोई अनहोनी ना हो, कहीं कोई मुझसे भूल ना हो, इसलिए वो सारे रिचुअल्स को फॉलो कर रहा है। मुझे लगता है भारत माँ के एक ऐसे बेटे को जो नित्य निरंतर धर्म सत्ता, जन सत्ता और राज सत्ता को त्रिवेणी संगम बना करके आगे ले जाना चाहता है, उनके लिए ऐसी बातें उचित नहीं है। शंकराचार्य जी ने अच्छे प्रश्न पूछे हैं कि शास्त्रीय मर्यादाओं का कहीं उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तो मोदी जी ने यह कह दिया है कि कहीं उल्लंघन नहीं होगा। उन्होंने प्रश्न पूछा, उनका अधिकार है क्योंकि वो धर्माचार्य हैं और राजसत्ता पर बैठे हैं। मोदी जी कहे कि आपकी हर बात मान्य होगी, सब कुछ रिचुअल्स के अनुसार, विवाद नहीं। यानी उन्होंने जो बातें कही हैं अब सारी चीजें सही हो गई हैं। ये दिख भी रहा है कि अब वो कहीं, क्योंकि वो अनर्गल कोई सवाल उठाते नहीं, शंकराचार्य हैं, उनको लगा कि धर्मशास्त्र का कहीं अवमानना न हो, उन्होंने सवाल उठाए। और मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी ने, सारे ट्रस्ट ने अंदर अंदर बड़े अच्छे से बताने का प्रयत्न किया कि हम सब मान्यताओं को मानकर कर रहे हैं और वो भी कोई विरोधी तो है नहीं। उन्होंने सवाल उठाया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं होगा, दैट्स फाइन, मेरा आशीर्वाद आपके साथ। हमने मुहूर्त की बात की, मुहूर्त को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए। कहा जा रहा है कि इतनी जल्दी, जब कह रहे थे लोग, अभी बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पूरी तरीके से जो है कंप्लीट नहीं हुआ है राम मंदिर, और इतनी जल्दी जल्दी उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा करने का कारण राजनीति को देखा जा रहा है, और इस साल 2000 जो इलेक्शन आने वाले हैं उसको मद्देनजर रख के इतनी जल्दी जल्दी जो है गलत मुहूर्त पे इस जो है प्राण प्रतिष्ठा को किया जा रहा है, तो मुहूर्त के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि मुहूर्त को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे हैं कि गलत मुहूर्त है, 22 जनवरी जो है सही मुहूर्त नहीं है। देखिए, जो लोग कर्मकांड पढ़े होंगे, वैदिक ज्योतिष विज्ञान के मार्तंड विद्वान होंगे, धर्माचार्य होंगे, वही तो मुहूर्त समझ सकते। और अगर पान की दुकानों पर, चाय की दुकानों पर मुहूर्त की चर्चा हो रही है, तो मुझे लगता है ये कोई बहुत ज़्यादा फलदायक रही है, जैसे कोई निष्णात डॉक्टर हो और वो कोई बात करे बैठकर हॉस्पिटल में, तो बात समझी जाए। पर कोई सब्जी बेचते हुए वही बात करे जबकि वो पढ़ा नहीं है, तो उसकी बातों को नहीं माना जाता। मुहूर्त बड़ी विद्वता के साथ और दिव्यता के साथ निकाला गया और बहुत दिव्य मुहूर्त है। दो मुहूर्त थे, उसमें से एक को सेलेक्ट किया गया है कि ये बहुत बढ़िया मुहूर्त। दूसरी बात, ये कहते हैं लोग कि लोकसभा चुनाव के कारण ये कराया जा रहा है। आप एक बात बताइए कि धर्म की स्थापना कैसे होगी जब तक लोकतंत्र में लोग साथ खड़े नहीं होंगे, और लोकतंत्र की मर्यादा ही यही है कि हर पार्टियां अपनी नीतियों को जनता के सामने रखते हैं। भगवान राम को लेकर के इस पार्टी की क्या नीति है वो खुरेआम रख रही है, बाकी पार्टी भी रख रहे हैं कि हमारी क्या नीति है। ये तो बहुत अच्छा है, लोग भूलेंगे नहीं, तत्काल चुनाव होगा और भगवान राम को लेकर, राष्ट्र को लेकर और राष्ट्र की उन्नति को लेकर किस पार्टी की क्या नीति है जनता को याद रहेगी, और वोटिंग करने में उनको बड़ा आसानी होगा और वो तत्कालीन रूप से वोट करके एक अच्छी सरकार बनाएंगे। मुहूर्त अच्छा है, बिल्कुल निष्णात विद्वानों के द्वारा बनाया गया है, सारे रिचुअल्स को फॉलो किए जा रहे हैं, सनातन वैदिक पद्धति से की जा रही है, लेकिन राज सत्ता या कानून व्यवस्था के तहत कुछ चीजें ऐसी हैं। कुछ लोग इसलिए चिढ़ गए कि अकेले हम कैसे जाएंगे, हमारे शिष्य भी जाने चाहिए, हमारे साथ चार आदमी जाने चाहिए। पर अब व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि अभी अयोध्या छोटी सी है और चारों तरफ से आप देखते हैं कि इतना बड़ा काम हो रहा होगा तो आतंकवादी चुप तो बैठे नहीं होंगे, भारत की विरोधी चुप तो बैठे होंगे नहीं। एक सरकार इस बड़े आयोजन को निर्विघ्न समाप्त करा लिया जाए, इसमें जनता के साथ साथ धर्माचार्यों का भी प्रमुख योगदान है और होना चाहिए। हम सब भगवान राम जी से प्रार्थना करते हैं कि यह निर्विघ्न संपन्न हो और भारत की अस्मिता, भारत की सनातन संस्कृति का डंका और ध्वज पूरे विश्व में फैले।